अच्छा भाई, ये पार्ट नंबर 7 है, 3 ओवर x-6 माइनस 4 ओवर x-5 इज इक्वल टू 1। तो आपने भी सबसे पहला काम ये करवाना होगा कि जो डिवाइजर्स है, यानी यहाँ पर x-6 है, यहाँ पर x-5 है, तो आपने भी सबसे पहले इनकी कैंसिलेशन करवाना होगी। तो इनकी कैंसिलेशन करवाने के लिए देखें क्या तरीक़ेकार होगा, आप दोनों फैक्टर्स को मिला दें, यानी x-6 और x-5, और इस चीज़ के साथ आपने सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है ताकि जो डिवाइजर्स हैं उनकी कैंसिलेशन हो जाए। अच्छा भाई देखें, ये हमारे पास पहली टर्म है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है इसी शय से। देखें भाई, x-6 x-5 क्रॉस 3 ओवर x-6, दरमियान में माइनस है, माइनस आप लगा दें। फिर आपने भी ये करना है कि ये हमारे पास है सेकंड टर्म, इसको भी आपने मल्टीप्लाई कर देना है इसी शय से। देखें भाई, x-6 x-5 क्रॉस 4 ओवर x-5, 4 ओवर x-5, इसकी भी आपने मल्टीप्लिकेशन कर दी। इसके बाद भी 1 है, अब आपने 1 के साथ भी इन्हीं फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी 1 क्रॉस x-6 x-5। अच्छा, ये वाली मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अब जहाँ जहाँ पर पॉसिबल है वहाँ पर आपने कैंसिलेशन करवानी है। मसलन भी देखें, ये x-6 है, तो x-6 से x-6 कैंसिल होगा, और x-5 से x-5 कैंसिल होगा, और यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं हो तो यहाँ पर 1 है। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पर क्या क्या शय बच गई, यहाँ पर भी 3 बच गया और 7 है x-5 माइनस, यहाँ पर भी 4 बच गया और 7 है x-6। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि जब आप इन फैक्टर्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी, मतलब ये बना कि बस यही फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे 1 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। अब आपने ये करना है कि बजाय आप 1 से मल्टीप्लाई करें दोबारा यही लिख दें फैक्टर, आप ये कर दें कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें और इनका जो आंसर बनता है आप यहाँ पर लिख दें। देखें भाई, इनकी मल्टीप्लिकेशन करें, एक्स को उठाएँ, पहले एक्स से मिलाएँ, एक्स क्रॉस एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, फिर एक्स को 5 से मिलाएं, ये बन गया -5x। इसके बाद देखिए भाई, -6 को उठाएं, पहले एक्स से मिलाएं, फिर -5 से मिला दें। देखें भाई, -6 x, ये बन गया -6x, और -6 को अब मिलाना है भाई -5 के साथ। देखिए भाई, ये -6 है और ये -5 है, तो -माइनस क्या बन गया, ये बन गया प्लस, और 6 ज़रब 5 किसके बराबर होगा, ये 30 के बराबर आ गया। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें, देखें भाई, इस फैक्टर के बाहर हमारे पास है 3, अब ये अंदर जाकर x से भी मल्टीप्लाई होगा और 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा भाई 3x-15। इस ब्रैकेट के बाहर भी चेक करें, यहाँ पर माइनस की अलामत है, जब माइनस की अलामत अंदर जाएगी तो अंदर वाली जो अलामतें हैं ये तब्दील होंगी, यानी जो ये वाली माइनस है ये बन जाएगी प्लस। मजीद आपने ये करना है कि 4 को भी आपने हर एक टर्म से मल्टीप्लाई भी करना है, तो देखें भाई, 4 क्रॉस x 4x होगा, और ये -माइनस प्लस होगा, 4 क्रॉस x 24 के बराबर होगा। ये आपने लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर दी। मजीद आप इसी स्टेप के अंदर ये कर दें कि जितनी राइट साइड वाली टर्म्स हैं तमाम को उठाकर आप लेफ्ट साइड पर ले आएँ। देखें भाई, जब ये इधर आएंगी तो तमाम की जो अलामतें हैं वो तब्दील हो जाएंगी, यानी जो प्लस है माइनस बन जाएंगी और जो माइनस है वो प्लस बन जाएंगी। तो देखें भाई, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर आकर क्या बन जाएगा, -x2, ये बन जाएगा +5x, ये बन जाएगा +6x और -30, और इधर हमारे पास रहेगा 0। हाँ, अब आपने ये एक लंबी सी हमारे पास इक्वेशन बन गई, अब इसके अंदर आपने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, और इक्वेशन की आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म हासिल करनी है। तो देखिए भाई, सबसे पहले आपने भी एडिशन करनी है, जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उनकी एडिशन करनी है। अच्छा भाई देखिए, यहाँ पर बाई चांस हमारे पास एक ही टर्म है एक्स स्क्वायर वाली, ये
सबसे पहले भी लिखे माइनस एक्स की आर। अब आपने एडिशन करनी है जो एक्स वाली टर्म्स हैं। अब ये एक्स वाली टर्म है, ये एक्स वाली टर्म है, ये है और ये है। देखिए भाई, जमा तीन नफी चार, नफी एक के बराबर होगा, नफी एक जमा पाँच जमा चार, और जमा चार जमा छः किसके बराबर होगा, जमा दस एक्स के बराबर होगा, जमा दस सात नहीं जमा दस के बराबर होगा। अब एंड वाले जो भाई इसके बाद रह गए हैं जो कॉन्स्टेंट हैं, उनकी अब आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करनी है। देखिए ये माइनस 15 और प्लस 24 प्लस 9 के बराबर होगा, प्लस 9 माइनस 30 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा माइनस 21 के, इज इक्वल टू जीरो। अब आप ज़रा गौर करें कि पहली टर्म के साथ माइनस आ गई है, तो अगर भी पहली टर्म के साथ माइनस आ जाए, इसका मैंने आसान से एक तरीक़ेकार आपको समझाया हुआ है, आप ये करें कि तमाम रकमों की अलामतों को उल्टा दें। ये तरीक़ेकार है अगर शुरू में माइनस आ जाती है उसको ख़त्म करने का, तो भाई देखें क्या होगा, इसे आप प्लस बना दें, प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस 10x और ये बन जाएगा प्लस 21 इज इक्वल टू जीरो। अब ये हमने भी हासिल कर लिया है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने इसके नीचे लिख ली है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और अब आपने यहाँ से भाई कंपेरिजन करना है और ए बी सी की वैल्यूज आपने मालूम करनी है। देखें भाई ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, अच्छा मैं ज़रा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर ए किसके बराबर होगा, प्लस 1 के बराबर होगा, बी किसके बराबर होगा, माइनस 10 के बराबर होगा, और सी किसके बराबर होगा, प्लस 21 के बराबर। इस अंदाज़ से हमें मालूम करनी है ए बी सी की वैल्यूज़। ये कीमतें मालूम करने के बाद अब आपने ये सारी कीमतें, ये जो दूसरे नंबर वाला फार्मूला है जिसको मैंने कहा था भी सांचों वाला फार्मूला, ब्रैक्टों वाला फार्मूला, इसके अंदर आपने भी ए बी सी की वैल्यू लगा देनी है। तो देखें जी, पहले आप यही फार्मूला लगाएं, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट, और डिवाइजर में होता है 2a। यहाँ पर आपने भी वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले घर होता है, ये वाला घर होता है बी का, बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस 10, फिर ये बी का घर है, यहाँ पर आप लगा दें माइनस 10। इसके बाद होता है भी 4ac, ए की वैल्यू किसके बराबर है, प्लस 1, और सी की वैल्यू किसके बराबर है, प्लस 21 के बराबर। डिवाइजर में होता है भी 2a, 2 क्रॉस प्लस 1। अब देखें जी, इस ब्रैकेट को आपने भी हटाना है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 10 होगा, प्लस माइनस। अच्छा मैंने बारह दफ़ा समझाया है कि माइनस का अगर आप स्केयर लेते हैं तो ये प्लस बन जाता है, प्लस का स्केयर भी प्लस होता है और माइनस का स्केयर भी प्लस बन जाता है। देखें जी, तो माइनस 10 का स्केयर किसके बराबर होगा, ये प्लस 100 के बराबर होगा। यहाँ पर देखें भी तीन अलामतें हैं, ये प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 4 क्रॉस 1 4 और 4 क्रॉस 21 4 और 8। डिवाइजर में देखें, ये है जमा 2 प्लस 2, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा, 2 क्रॉस 1 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। तो एक्स इक्वल आ गया 10 प्लस माइनस 100 माइनस 84 16 के बराबर होगा स्क्वायर रूट, डिवाइजर में है 2, तो एक्स इक्वल आ गया 10 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट किसके बराबर, 4 के बराबर, ओवर 2। अब आप ये करें कि यहाँ से आपने 2 इक्वेशंस बनानी हैं। अच्छा मैं इधर लिख देता हूँ, एक आपने इक्वेशन बनानी है प्लस 4 के साथ, एक इक्वेशन आपने बनानी है माइनस 4 के साथ। एक्स इक्वल आ गया 10 प्लस 4 ओवर 2, दरमियान में लिखना है आर, एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 4 ओवर 2। देखें जी, ये आ गया 14/2, इधर आ गया 6/2, यहाँ से x की वैल्यू बन गई 7 और यहाँ से x की वैल्यू क्या बन गई, 3। तो आपको भी सॉल्यूशन सेट किसके बराबर आ गया, 7,3 के बराबर। x plus 2 over x minus 1 minus 4 minus x over 2x
और भाई यहाँ पर है दो सही एक बटा तीन, हम इसे उर्दू में पढ़ते हैं और अंग्रेजी में इसे कहते हैं टू होल वन बाई थ्री, यानी होल नंबर से ये लफ्ज निकला है होल, इसे हम कहेंगे टू होल वन बाई थ्री। पहले आपने थोड़ी सी इसकी सिंपलीफिकेशन कर लेनी है, इसे आम आप फ्रैक्शनल फॉर्म में ले आए, बटा वाली हालत में ले आए, तो पहले आप इसकी कैलकुलेशन कर लें। ये बन जाएगा तीन सर्फे दो छः, ये बन जाएगा सेवन बाई थ्री, तो मैं डायरेक्ट यहां पर लिख देता हूं सेवन बाई थ्री। अच्छा ये लिखने के बाद अब हमें कैलकुलेशन शुरू करनी है। अच्छा भाई देखें, सबसे पहला काम हमारा होगा कि जो डिवाइजर्स हैं एक्स माइनस वन है या टू एक्स है या थ्री है, इनकी हमें सबसे पहले कैंसिलेशन करवाना होगी। तो देखिए भाई, हम सबसे पहले ये करते हैं कि इनका चेक करते हैं कि एलसीएम क्या होगा। देखिए भाई, एक बट्टा हमारे पास है थ्री, एक बट्टा हमारे पास है टू एक्स और एक बट्टा है एक्स माइनस वन। अच्छा तीनों को मिलाकर लिखें तो मिलाने के बाद ये बन जाएगा कि थ्री क्रॉस टू सिक्स एक्स और एक्स माइनस वन। अब ये हमारा बन गया है एलसीएम, यानी सिक्स एक्स इंटू एक्स माइनस वन। डिवाइजर्स को कटाने के लिए x माइनस वन को, टू एक्स को और थ्री को कटाने के लिए आपने सारी इक्वेशन को इसी एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन करना होगी इसी एलसीएम के साथ। तो देखिए भाई, अब ये हमारे पास है पहली टर्म, इसको अपने मल्टीप्लाई कर देना है उसी एलसीएम से, यानी सिक्स एक्स इंटू एक्स माइनस वन क्रॉस एक्स प्लस टू ओवर एक्स माइनस वन, दरमियान में माइनस है। अब ये हमारे पास है सेकंड टर्म, इसको भी आपने मल्टीप्लाई कर देना है उसी एलसीएम के साथ, यानी सिक्स एक्स इंटू एक्स माइनस वन क्रॉस फोर माइनस एक्स ओवर टू एक्स। और जो एंड वाली टर्म है सेवन बाई थ्री, इसको भी आपने मल्टीप्लाई करना होगा इसी एलसीएम के साथ, तो सेवन बाई थ्री क्रॉस सिक्स एक्स और एक्स माइनस वन। तो ये आपने मल्टीप्लीकेशन कर ली। ये करने के बाद अब आपने इन्हीं डिवाइजर्स की कैंसिलेशन करवानी है इस एलसीएम के साथ। देखिए भाई, यहां हमारे पास है भाई x माइनस वन और ये भी है x माइनस वन, इनकी कैंसिलेशन हो गई। टू और सिक्स की कैंसिलेशन होती है दो तीन छ और मजीद x से x कैंसिल हो गया। यहां पर देखिए कि थ्री और सिक्स की कैंसिलेशन होती है तीन दो बार बनता है छ, इस अंदाज से करवा दी कैंसिलेशन। अब आप देखें यहां पर हमारे पास बच गया है सिक्स एक्स और दूसरा फैक्टर है एक्स प्लस टू माइनस, यहां पर हमारे पास बच गया है थ्री एक्स माइनस वन और फोर माइनस एक्स इज इक्वल टू। अच्छा यहां पर देखिए सेवन भी बच गया है, टू भी बच गया है और साथ एक्स भी है, इनकी मल्टीप्लीकेशन आप बाहर भी कर लें, सेवन प्लस टू फोर्टीन होगा, एक्स को मिला दें ये बन जाता है फोर्टीन एक्स और साथ रहा एक्स माइनस वन। अब आप देखिए, अब इस ब्रैकेट के बाहर हमारे पास है सिक्स एक्स, ये अंदर जाकर एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा और टू से भी मल्टीप्लाई होगा, तो सिक्स एक्स इंटू एक्स ये बन जाएगा सिक्स एक्स किया प्लस सिक्स एक्स इंटू टू ये बन गया ट्वेल्व एक्स माइनस। यहां पर हमें ये करना है कि बाहर वाला थ्री है इसको आप यहीं पढ़ा रहने दें और इन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन कर देनी है। देखें एक्स को उठाएं फोर से मिलाएं फोर एक्स, एक्स को एक्स से मिलाएं दरमियान में माइनस एक्स क्रॉस एक्स, एक्स क्या होगा। अब आपने माइनस वन को उठाना है, माइनस वन को फोर से मिलाएं माइनस वन क्रॉस फोर माइनस फोर और माइनस वन को माइनस एक्स से मिलाएं माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा वन क्रॉस एक्स। अच्छा यहाँ पर इस फैक्टर के बाहर हमारे पास है 14x, ये अंदर जाकर x से भी मल्टीप्लाई होगा 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये धीरे आप देखें जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 14x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन गया 14x। फर्दर बात सिंपलीफिकेशन करनी है 6x स्क्वायर प्लस 12x, इस ब्रैकेट के बाहर हमारे पास है 3 और मजीद आप देखें बाहर माइनस भी है, एक तो सारे अंदर बदल लाते हैं तब्दील होगी, मजीद आप थ्री से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। देखिए भाई तीन सर्वे चार ये बन गया बारह एक्स, ये माइनस माइनस प्लस होगा थ्री क्रॉस एक्स स्क्वायर
3x किया, फिर माइनस माइनस प्लस होगा, 3 क्रॉस 4 12, ये बन जाएगी माइनस और 3 क्रॉस x 3x। अच्छा यहाँ पर एक और ये आपने काम करना है, जो राइट साइड वाली टर्म्स है यानी ये वाली, इनको आपने लेकर आना है लेफ्ट साइड पर, उधर आपने जीरो बचानी है और जो टर्म्स है उन्हें आप ले आए लेफ्ट साइड पर। इधर आपका क्या होगा, आपके बन जाएंगी ये प्लस है माइनस 14x क्या होगा, ये माइनस 14x है, इधर आकर बन जाएगा प्लस 14x और इधर हमारे पास बचेगा जीरो। अब आप ये करना है कि जो सिमिलर टर्म्स हैं उनके आपस में एडिशन करनी है। मसलन भी देखें, हम सबसे पहले तलाश करते हैं कि x स्क्वायर वाली टर्म्स कौन कौन सी है, ये x स्क्वायर वाली है, ये भी x स्क्वायर वाली है और ये भी x स्क्वायर वाली है, इनके आपने कोफिशिएंट्स यानी अददी सरों को आपने जमा या नफी करना है। देखें जमा 6 है, जमा 3, जमा 9 बन गया और जमा 9 नफी 14, फिर बन गया माइनस 5, ये बन जाता है कि माइनस 5x स्क्वायर, जी हमने x स्क्वायर वाली रकमों को ऐड कर दिया। अब आप आए x वाली टर्म्स पर, ये और ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये प्लस 12x है और ये माइनस 12x, इनकी कैंसिलेशन हो गई। अब x वाली हमारे पास एक ये बच गई है और एक ये वाली टर्म यानी प्लस 14, ये दो बच गई हैं और विकल्प कोई नहीं, इनकी आपस में एडिशन होगी तो माइनस 3 और प्लस 14 ये बन जाता है प्लस 11x, इनकी एडिशन हो गई। अब आते हैं कांस्टेंट्स पर, कांस्टेंट हमारे पास 12 है और तो कोई नहीं, 12 हमारे पास एक ही कांस्टेंट है, तो आप यहां पर लिख देंगे 12 = 0। अच्छा भाई देखिए कि पहली टर्म के साथ माइनस आ गई है, इसको हमें खत्म करना होता है। देखें जी क्या करेंगे, इसका मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है, आप ये करेंगे तमाम इसकी अलामतें उल्टा दें तो जो पहले वाली माइनस है ये ऑटोमेटिकली प्लस बन जाएगी। यानी क्या आपने करना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 5x² माइनस 11x और माइनस 12 = 0, ये तमाम अलामतें आपने तब्दील कर दी तो जो पहले वाली माइनस है ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। हासिल कर लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने इसका मवाजना करना है ax² + bx + c = 0 के साथ, इसके नीचे आपने लिख देना है बर्कर यार। अच्छा इसके नीचे आपने लिख देना है ax² + bx + c = 0। अब आपने यहां से करना है कंपैरिजन और ए बी सी की वैल्यू मालूम करनी है, तो देखिए भाई ए की वैल्यू क्या बन गई, ये बन जाती है प्लस 5, अलाम के साथ क्लास में लिखे, बाद में कैलकुलेशन में गलती का चांस होता है अगर आप अलाम नहीं लिखते। बी की वैल्यू बन गई माइनस 11 और सी की वैल्यू बन गई माइनस 12। ये वैल्यूज लिखने के बाद अब आपने ये वाला फॉर्मूला लिखना है नीचे बजाय वो वाला लिखने की, फिर बाद में ये बनाना होगा, आप एडवांस में यही फॉर्मूला लगा दें। तो देखें x इक्वल टू सबसे पहले होता है माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac साई का स्क्वायर रूट और डिवाइजर में हम लिखते हैं 2a। हमें कलर तब्दील करके इसके अंदर में वैल्यूज लगा दूं, पहली जो ब्रैकेट है जो पहला घर है ये होता है b का, b की वैल्यू आपने यहाँ पर लगानी है माइनस 11। फिर यहाँ पर आप देखिए फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ पर b है, b की वैल्यू को दोबारा लगा दें माइनस 11। इसके बाद है 4ac, a की वैल्यू प्लस 5 है, c की वैल्यू माइनस 12 है, डिवाइजर में होता है 2a, a की वैल्यू हमारे पास है प्लस 5 के बराबर। देखिए माइनस माइनस प्लस 11 आ गया प्लस माइनस। अच्छा याद रखिए कि माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाता है, यानी माइनस 11 * माइनस 11 आप करेंगे ये बन जाएगा प्लस 121। और यहां पर देखिए भी तीन अलामतें हमारे सामने आ गई, ये माइनस माइनस प्लस होगा और प्लस प्लस क्या होगा प्लस होगा, दरमियान में आ जाएगा प्लस 4 = 20, 20 = 12,
नीचे देखिए जमा दो है जमा पांच है, प्लस 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 होगा, टू प्लस फाइव क्या होगा, टेन होगा प्लस टेन। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें, अलेवन प्लस माइनस इसके अंदर 121 ऐड करें, 1 6 3 361 स्क्वायर रूट, और डिवाइजर में है 10। अब आप देखें भाई 361 इसका ख्याल में शायद 19 आता है, स्क्वायर रूट 19 रुपये 19 करो यार, 19 रुपये 19। अच्छा भाई देखें तो इस पर मैंने चेक कर लिया है, स्क्वायर रूट हमारे पास आता है 19 के बराबर, 11 प्लस माइनस 19 ओवर 10। अब देखें भाई अब हमें दो इक्वेशंस बनानी है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। देखें जी मैं आपको देखता हूँ, x इक्वल होगा यानी 11 प्लस 19 ओवर 10, दरमियान में लिखना होता है r, एंड में लिखते दरमियान में लिखते r, यानी कि जा x इक्वल होगा 11 माइनस 19 ओवर 10, x इक्वल आ गया 30 आता है 30 ओवर 10, यहां से x इक्वल आ गया माइनस 8 ओवर 10, x इक्वल आता है 10 3 30 3, और यहां से x इक्वल आता है 2 बार 12 तो 4 8 2 5 10 माइनस 4 ओवर 5। तो सॉल्यूशन सेट यहां से हमारा बनता है 3 कॉमा माइनस 4 ओवर 5। क्या पर अच्छा पार्ट नंबर 9 है a ओवर x माइनस b प्लस b ओवर x माइनस a इज इक्वल टू 2। ये इंतहाई आम सवाल है, इसको भी आपने सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए। अब देखिए पहला स्टेप हमारा वही होगा कि जो डिवाइजर्स हैं ये x माइनस b है और x माइनस a है, इनके आपने सबसे पहले कैंसिलेशन करवाना होगा x माइनस बी और x माइनस ए। अच्छा अगर आप दोनों को मिला दें x माइनस ए और x माइनस बी, ये हमारा बन जाता है LCM, x माइनस ए और x माइनस बी, इसे हम कहते हैं LCM, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई। अब आपने इसी LCM के साथ तमाम रकमों को इसको भी और इसको भी मल्टीप्लाई कर देना है। देखेंगे x माइनस ए इंटू x माइनस बी, दरमियान में डॉट लगा दें, e ओवर x माइनस बी प्लस, ये हमारे पास सेकेंड टर्म, इसको मल्टीप्लाई करना है इसी तरह से x माइनस ए x माइनस बी डॉट b ओवर x माइनस ए इज इक्वल टू एम वाली टर्म में 2, 2 को भी हमें मल्टीप्लाई कर देना है 2 इंटू x माइनस ए x माइनस बी। अब आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, कैंसिलेशन करवानी है। देखेंगे x माइनस बी से x माइनस बी कैंसिल होगा, x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल होगा, यहां पर कैंसिलेशन नहीं होती। देखिए इस फैक्टर के बाहर बच गया है a, यहां लिखे a इंटू x माइनस ए प्लस, यहां पर बच गया है b, b इंटू x माइनस बी इज इक्वल टू 2 इंटू, इन दोनों फैक्टर्स को आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना है, x को उठाएं x से मिलाएं ये बन गया x किया है, b से मिलाएं bx, माइनस a को उठाएं x से मिलाएं माइनस ए एक्स, और माइनस a को माइनस b से मिलाएं ये बन गया प्लस a, माइनस माइनस प्लस होगा। इस फैक्टर के बारे में मौजूद है, a को आप अंदर ले जाएं, x से भी मल्टीप्लाई होगा a से भी मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा ए एक्स माइनस ए स्क्वायर, बी को अंदर लेते हैं dx माइनस बी स्क्वायर, और इस ब्रैकेट पर 2 पड़ा है, 2 को अंदर ले जाए बाहर का अंतर का तो मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2ax प्लस 2ab। हम अब ये करें कि जो राइट साइड वाली जितनी भी टर्म्स हैं उन्हें आप उठा कर ले आए लेफ्ट साइड पर, इधर आप नाम तब्दील होंगी। देखें जी dx माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस है इधर का माइनस टू एक्स स्क्वायर, ये माइनस है प्लस हो जाएगी प्लस टू बी एक्स
ये माइनस है प्लस 2ax और ये प्लस है तो माइनस 2ab इधर हमारे पास रहा जीरो। अब आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, आप उसमें एडिशन करनी है, सिमिलर टर्म उसमें एडिशन करनी है। देखिए भाई एक्स के आर वाली टर्म हमारे पास सिर्फ एक है, जे वाली हिसाब लिखे माइनस टू एक्स के आर। अब आपने आप इसमें ऐड करनी है ई एक्स वाली टर्म, एक जे ई एक्स वाली है टर्म, एक जे है नाम वाला ई एक्स वाली टर्म, ए एक्स प्लस टू ए एक्स ये बन गया थ्री ए एक्स। बी एक्स का जो टाइम प्लस बी एक्स प्लस टू बी एक्स ये भी बन जाता है प्लस थ्री बी एक्स, इनकी एडिशन हो गई। अब ना बनाता है कि कांस्टेंट का, कांस्टेंट हमारे पास बच गया है माइनस ए स्क्वायर, इसकी सिंगुलर टर्म नहीं है ना बी स्क्वायर की है ना टू ए बी की, इन्हें आप इकट्ठा रखते हैं माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इज इक्वल टू जीरो। अरे माइनस, अच्छा ये करें कि तमाम रकमों की अलामतें उल्टा दे, चूंकि शुरू में माइनस आती है इसको हमें प्लस वैसे भी बनाना है, तो आप यहीं पर ये कर दें कि तमाम की जो अलामतें हैं उल्टा दें, ये बने प्लस टू एक्स की है, ये हो जाएगी माइनस थ्री ए एक्स और माइनस थ्री बी एक्स, ये तीनों प्लस हो जाएंगे प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इज इक्वल टू जीरो। अब आप देखिए दरमियान में से हम कोई चीज है कॉमन ले सकते हैं, यहां से कॉमन ले वही टू एक्स स्क्वायर माइनस, जब आप देखिए ना एक तो थ्री कॉमन है और साथ आप देखें कि एक्स कॉमन है, तीन मैंने यहां से कॉमन लिया लेफ्ट साइड से और x को मैंने यहां से कॉमन लिया था, इसकी जो शेप है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली बन जाए। देखिए चूंकि हमने बाहर माइनस कॉमन लिया एक तो अंदर वाली, तो ये वाली माइनस ये बन जाएगी प्लस, तीन भी बाहर आ गया x भी बाहर आ गया अंदर रहेगा a, ये बन जाएगी प्लस थ्री भी बाहर है x भी बाहर ना प्लस बी। और आप इस पर गौर करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये सारी चीज हमारे पास है कंप्लीट स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब ये हमारे पास फॉर्म बन गई है क्वाड्रेटिक, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपने इसके नीचे लिखनी है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसे हम कहते हैं जनरल फॉर्म, बड़ा एक चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां से देखिए ए की वैल्यू कितनी बन गई प्लस टू, बी की वैल्यू क्या बन गई ये माइनस के साथ माइनस थ्री ए प्लस बी, और सी की वैल्यू बन गई ए प्लस बी होल स्क्वायर। इस अंदाज का ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। अब ये वाले जो कीमतें हैं ये आपने जाकर लगानी है फार्मूला नंबर दो के अंदर, देखेंगे। अच्छा फार्मूला नंबर दो लगाएं और इसके अंदर जो ब्रैकेट्स हैं वो जरा बड़ा करके लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज हैं ये बड़ी हालत में, सबसे पहले होता है कि माइनस बी माइनस और यहां पर ये बी के लिए इधर आएगा बी की कीमत, इसके बाद है जनाब स्क्वायर रूट आता है, फिर है ये बी स्क्वायर, फिर यहां पर बी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू छोटी है ये लगा दें, फिर सी है फिर एक बड़ी वैल्यू लगा दें, यहां पर हमें लगा ये सी की वैल्यू और डिवाइजर में आएगा टू ए, टू ए इसके अंदर हमें कीमतें फिट करनी है। तो देखेंगे सबसे पहले ब्रैकेट है ये हमारे पास है बी की, बी की वैल्यू लगा दे माइनस थ्री, साथ है ये ए प्लस बी,
फिर बी स्क्वायर ये किसी शेय का स्क्वायर है माइनस थ्री ए प्लस बी, फिर होता है भाई फोर ए सी, ए हमारे पास है प्लस टू और सी है ए प्लस बी होल स्क्वायर, डिवाइड होता है टू ए टू इंटू प्लस टू, इसे आप सिंप्लीफाई करें। देखिए इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, यहाँ पर टू माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गई ना, लिखें आप थ्री इंटू ए प्लस बी आ गया प्लस माइनस। अच्छा ये वाला जो स्क्वायर है ना, ये माइनस थ्री का भी स्क्वायर है और ए प्लस बी का भी स्क्वायर है, ये दोनों का स्क्वायर है। तो जब माइनस थ्री का हम स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाता है प्लस नाइन, आप यहाँ पर लिखें प्लस नाइन, और ए प्लस बी का स्क्वायर लें तो ये रहेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर देखें ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, चार सर्वे दो आठ और सात है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये उसी तरह सात रहेगा, इनकी मल्टीप्लीकेशन कर दें ये वाला फैक्टर सात होल स्क्वायर रूट, डिवाइड नहीं है यहाँ पे वाला प्लस 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 होगा फोर। तो देखें जी एक्स इक्वल आ गया, ये करें कि चलो फिलहाल इसे रहने दें थ्री ए प्लस बी प्लस माइनस। अच्छा देखिए ना ये सिमिलर टर्म्स है, ये भी ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ये भी ए प्लस बी होल स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट नाइन है इसका एट है, तो नाइन माइनस एट वन आता है, यानी ये ओवरऑल बन जाएगा वन इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, वन साथ ना लिखो आप लिखते ए प्लस बी होल स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, ये आपका सिमिलर ये माइनस होता है ओवर फोर एक्स इक्वल आ गया थ्री ए प्लस बी प्लस माइनस। देखिए भाई स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ब्रैकेट के अंदर लिखें ए प्लस बी और नीचे रहा फोर। अब आपने दो सवाल में बनाने हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, जरा स्टॉप, एक इक्वेशन आपने बनानी है प्लस के साथ एक्स इक्वल आ गया थ्री ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी ओवर फोर, याद लगा दें दरमियान में क्या लाइन लगा दें, एक्स इक्वल आ गया थ्री ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी ओवर फोर, ब्रेक पर थ्री ए थ्री मतलब मल्टीप्लाई करते ये बन जाएगा थ्री ए प्लस थ्री बी, इस ब्रैकेट पर प्लस है अंदर वाले इलाके में तब्दील नहीं होगी, ब्रैकेट खोल दें क्या गया ओवर फोर, एक्स यहां से आता है थ्री ए प्लस वन ए ये बन जाएगा फोर ए, थ्री ए माइनस वन बी ये बन जाता है टू बी ओवर फोर। मजीद आप ये करें कि ऊपर से आप कॉमन ले लें टू, टू कॉमन आप यहां से प्लस के अंदर आएगा टू ए प्लस बी ओवर फोर, एक्स बराबर आ गया टू टू टाइम्स फोर टू ए प्लस बी ओवर टू एक ये एक्स का आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें एक्स इक्वल आ गया थ्री को अंदर ले लें थ्री ए प्लस थ्री बी, इस ब्रैकेट पर माइनस है अंदर वाले लाइन तब्दील होगी माइनस ए माइनस बी ओवर फोर एक्स इक्वल आ गया, देखो भाई थ्री ए माइनस वन ए ये आ गया टू ए प्लस थ्री बी माइनस वन बी ये आ गया प्लस टू बी ओवर फोर, ऊपर सब देखें टू का वन है अंदर रहेगा ए प्लस बी ओवर फोर, कैंसिलेशन करवा दें टू टू टाइम्स फोर ए प्लस बी ओवर टू, तो यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा एस एस टू ए प्लस बी ओवर टू कॉमन ए प्लस बी ओवर टू। दसवीं जूस है और आखिरी जूस है माइनस एल प्लस एम और माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस टू एल
अब आपने जरा तरतीब बनानी, सबसे पहले लानी है एक्स की आर माइनस एल एक्स की आर, इसे बिल्कुल छू में लेना है। दरमियान में लानी है एक्स वाई का प्लस टू एल प्लस एम विद एक्स, और एंड पर ले जाए कांस्टेंट यानी माइनस एल प्लस एम इज इक्वल टू जीरो। मजीद आप देख रहे हैं शुरू में माइनस आ गई, इसको खत्म करने के लिए तमाम अलाम आप हटा दें, ये बन जाएगी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एल प्लस एम विद एक्स, ये अलाम तब्दील होगी, अंदर वाली तब्दील नहीं करनी, और प्लस हो जाएगी एल प्लस एम इज इक्वल टू जीरो। अब ये डायरेक्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया, इसके नीचे आप लेते हैं जनरल फॉर्म, क्या होती है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां से देखें कि ए की वैल्यू कितनी बन जाती है, ए की वैल्यू आ गई एल, बी की वैल्यू बन जाती है माइनस इंटू टू एल प्लस एम, और सी की वैल्यू बन गई एल प्लस एम इन ब्रैकेट। जी आपने ए बी सी की वैल्यूज मालूम कर ली है, अब आपने उसी फार्मूला के अंदर जो ब्रैकेट वाला फार्मूला है उसके अंदर आपने ये कीमतें फिट कर दी हैं। अब देखें कि बी के लिए आपने एक बड़ा सा घर बनाना है, एक्स इज इक्वल सबसे पहले होता है माइनस बी, ये बी की वैल्यू तो थोड़ी सी वैल्यू है माइनस बी प्लस माइनस, फिर होता है बी स्क्वायर, फिर उसी का स्क्वायर स्क्वायर रूट पहले बात है बी स्क्वायर, फिर होता है माइनस फोर ए सी, फोर यहां पर ए की वैल्यू और सात सी की वैल्यू, इसके लिए भी एक छोटी ब्रैकेट लगा दें और डिवाइजर में हो देते हैं टू ए। अब दरमियान में आपने कीमतें लगानी है, सबसे पहला घर होता है सबसे पहली ब्रैकेट होती है जनाब बी की, बी की कीमत लगाए माइनस माइनस है और टू एल प्लस एम इस अंदाज, फिर बी की वैल्यू माइनस टू एल प्लस एम, फोर ए सी ए की वैल्यू एल प्लस एल, सी की वैल्यू एल प्लस एम इसी ब्रैकेट में बस एल प्लस एल लगा दे, नीचे टू ए टू इंटू एल। अब इसको आप लोग करना है सिंप्लीफाई, देखें इस ब्रैकेट पर माइनस है माइनस माइनस प्लस बन जाएगी टू एल प्लस एम और बाद में प्लस के अलावा प्लस माइनस, फिर वही बात ये वाला जो स्क्वायर है इस माइनस का भी है और ये वाला जो ब्रैकेट है टू एल प्लस एम इसका भी स्क्वायर है, तो माइनस स्क्वायर तो बन गया ना प्लस, इसे तो आप लिखे ही ना छोड़ दें, फिर स्क्वायर है क्या टू एल प्लस एम का, यहां पर देखें प्लस माइनस माइनस फोर एल और सात है एल प्लस एम तमाम का स्क्वायर रूट, डिवाइजर में आ गया टू क्रॉस है टू एल, टू एल प्लस एम इसको ओपनली लिख दें प्लस माइनस। अब आपने जो ये वाला स्क्वायर खोलना है अकॉर्डिंग टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसकी आपने एक्सपेंशन करनी है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस टू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और जो माइनस फोर एल है इसे आप अंदर ले लेंगे अंदर पर मल्टीप्लाई होगा माइनस फोर एल स्क्वायर, ये माइनस फोर एल एम सारे का स्क्वायर रूट और डिवाइजर है टू एल, एक्स इक्वल आ गया टू एल प्लस एम प्लस माइनस, स्क्वायर कोल इज फोर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर टू क्रॉस टू फोर एम
जहां पर पॉसिबल है कैंसिलेशन करवाएं। देखिए भाई x इक्वल आ गया 2l प्लस m प्लस माइनस 4l स्क्वायर से 4l स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4lm से माइनस 4lm कैंसिल हो गया, सिर्फ रह गया m स्क्वायर और नीचे रह गया 2l। अब ये करें कि दो मसवाद बना लें, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। सॉरी उससे पहले देखें, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये एक्स इक्वल आ गया 12 प्लस एम और प्लस माइनस एम डिवाइजर में से 2। अब आपने टू इक्वेशंस बना दी, प्लस एम के साथ माइनस एम के साथ, एक्स इक्वल आ गया 2l प्लस एम ओवर 2l और एक्स इज इक्वल टू 2l प्लस एम माइनस एम ओवर 2l। से आप देखें 2l। अच्छा यहां पर एक लड़के एक बच्चे गलती कर जाते हैं, 2l से 2l कटा देंगे, ये कैंसिलेशन नहीं होती, याद रखें दरमियान में प्लस माइनस आ जाए क्योंकि कैंसिलेशन नहीं करवा सकते। m प्लस एम 2m ओवर 2l x इक्वल आ गया, ऊपर से 2 कॉमन अंदर रहेगा l प्लस एम ओवर 2l, 2 से 2 कट गया l प्लस एम ओवर एल, यहां पर कैंसिलेशन नहीं होगी, बस ये एक एक्स का रूट आ गया, एक वैल्यू आ गया। यहां देखिए एम से एम कैंसिल, एक्स इक्वल आ गया 2l ओवर 2l, एक्स बराबर आ गया, कैंसिलेशन करवा दे 1 आ गया। यहां से आप देखते हैं एस एस